देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गोहाना की। बता दें कि आज महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव है, जिसको लेकर आज शहर में वाल्मीकि समाज की ओर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। और बता दें कि लगातार जो है पूरा सप्ताह जो है अब वाल्मीकि प्रकट उत्सव मनाने के लिए जो है पूरे हरियाणा में जो इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज जो है गोहाना में भी दो जगह जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर वाल्मीकि चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसके अलावा जो है त्रिकालदर्शी के द्वारा आज एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि पूरे शहर में एक शोभा यात्रा के तौर पर निकाली जाएगी, और जिसमें महर्षि भगवान वाल्मीकि की एक बड़ी तस्वीर लगाकर, एक प्रतिमा लगाकर जो है पूरे शहर में निकाली जा रही है। और उन्होंने कहा कि शहरवासी हमेशा हमारे सहयोग में रहे हैं और आगे भी सहयोग हमारा शहरवासियों के साथ रहेगा। शहरवासियों की का जो सहयोग है हम हमारे पर जो है लगातार बना रहता है। और अब आप सभी से अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बता दें कि आज गोहाना में के समता चौक स्थित वाल्मीकि मंदिर से जो ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी, जो कि सिविल रोड से होते हुए रोहतक गेट से शुरू हो करके जो है अंबेडकर चौक पर पहुंचे हैं। और उसके बाद जो है ये महम रोड होते हुए पुरानी अनाज मंडी और बड़ौदा रोड, इसके अलावा जो है पुरानी अनाज मंडी और इसके साथ जो है कॉलेज के पास से होते हुए सिविल रोड, पुराना बस स्टैंड और महावीर चौक से होते हुए यह वाल्मीकि आश्रम में जाकर इसका समापन किया जाएगा। आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर जो है युवा जो है वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं उनमें जोश देखने को बनता है। आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर वाल्मीकि समाज के लिए जो है वाल्मीकि भगवान को जो है जय जयकार करते हुए जो युवा हैं वो सामने नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी इसमें आपको सामने नजर आ रहे हैं। और आप सभी से अपील है कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बता दें कि देश अब तक न्यूज पर जो है आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर में जो है इस तरह की जो कार्रवाई की गई है कि वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में जो है बकायदा जो युवा, महिला, बुजुर्ग सभी इसमें थे और पूरे शहर में इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि वाल्मीकि मंदिर से शुरू होकर वाल्मीकि आश्रम पर आकर समापन होगा। यह पूरे शहर में इसका एक तरह से शोभा यात्रा निकाली गई है, ताकि शहर के जिन लोगों को वाल्मीकि भगवान के बारे में नहीं पता है उनको बताया जा सके, उनके बारे में बताया जा सके कि वो किस तरह के भगवान थे, किस तरह की उन्होंने रचनाएं की हैं। रामायण की जो रचना है वो भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है, और इसके अलावा जो है काफ़ी जो है कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उन्होंने एक स्वर में कहा कि वाल्मीकि के जो हमारे थे महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने समाज सुधारने का जो है काम किया था और लगातार जो है लोग इस पर कार्य भी कर रहे हैं। और आप उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिखाए गए रास्ते हैं उन पर हमें आगे चलना चाहिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं जो हैं, महिला और युवा जो बच्चियां हैं वो आगे निकली हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर एक बड़ा रथ बनाकर जो है भगवान वाल्मीकि का जो है एक प्रतिमा लगाकर जो है इसका जुलूस निकाला जा रहा है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जहाँ पर जो है पुलिस के बंदोबस्त भी काफी अच्छे देखे जा रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस की जो है तैनाती भी की गई है, ताकि कोई ऐसा कोई मामला ना हो जिससे कोई सुरक्षा की कोई दिक्कत ना हो। इसी को देखते हुए ये जो शोभा यात्रा है ये गोहाना के महावीर चौक पर, अंबेडकर चौक पर पहुंच चुकी है, जहां पर भारी संख्या में युवा, महिला व बच्चे हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। और यहाँ के त्रिकालदर्शी के संस्था के जो अध्यक्ष हैं अशोक दीपक लारा, उनके द्वारा कहा गया कि हम लगातार जो है समाज को उठाने का कार्य जो कर रहे हैं, लगातार जो है हमारी संस्था जो है इस तरह के कार्य करती है जहाँ पर समाज को नई दिशा मिल सके, उसी के लिए जो है त्रिकालदर्शी जो है काम कर रही है। और चाहे युवाओं की बात है या बेरोजगारी की बात है, उनको बेरोजगार ना हो उसके लिए भी कार्य कर रही है। इसके अलावा जो है सरकार से समय समय पर जो है उनकी जो मांग है उनको उठाने का काम करती है। और आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर अंबेडकर चौक पर जो है पहुंची है जो त्रिकालदर्शी के द्वारा जो शोभा यात्रा निकाली गई है, और यहाँ पर बाबा अंबेडकर
उस पर भी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। पूरा विषय परमपिता परमात्मा वाल्मीकि महाराज का प्रकट उत्सव बना रही है। सर्वप्रथम सभी विषयों के प्राणियों को वाल्मीकि प्रकट उत्सव की लिखने को बधाई देता हूँ। बड़ी जोर शोर से भारत में नहीं पूरे विश्व में वाल्मीकि प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाल्मीकि मंदिर ग्वाड़ा से शुरू हुई थी और वाल्मीकि आश्रम ग्वाड़ा में समापन है। अभी तो वाल्मीकि मंदिर से फुहारा जो अंबेडकर चौक है वहां तक पहुंचे, उसके बाद मंडी से शहर होते और वाल्मीकि आश्रम में समापन होगा। पूरे शहर में क्या कहना चाहोगे शहर वासियों को? जो परमपिता परमात्मा वाल्मीकि महाराज ने जो वो शिष्टाचार रामायण लिखी है उन्हें हर प्राणी हर जीव के लिए कल्याणकारी जो शब्द लिखे है मतलब उन पर चलना चाहिए। और भगवान वाल्मीकि सबके पूजनीय, खाली वाल्मीकि समाज के नहीं पूरे विश्व के जीव जितने भी धरती पर है सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान वाल्मीकि ने एक पक्षी के दुख को समझते हुए पूरे संसार के प्राणियों के लिए महाकाव्य की रचना की जिसमें पूरा विश्व चल रहा है। और मानव जाति के जो भगवान वाल्मीकि ना होते तो राम भी ना होते, तो पहले जय वाल्मीकि और जय श्री राम ये बात भगवान वाल्मीकि ने कही है। तो सीता माता का भी बच्चों की प्रेरणी शिक्षा ज्ञान के सागर है भगवान वाल्मीकि।